आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 5 से देखने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया गया है हम लोगों को। ये इसमें शो करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है मतलब प्योरली रियल होगा। देखिए, प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 - 3i × 2 + 3i। इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लिख सकते हैं इसको, प्लस ये हो जाएगा 3 - 2i × 2 - 3i हो जाएगा। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 6 + 3 3 9i + 4i + 6i² हो जाएगा, प्लस 3 2 हो गया 6 - 9i - 4i और प्लस 6i² हो जाएगा अपॉन ये a + b × a - b, तो ये हो जाएगा a² - 3i² हो जाएगा। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 + 9 और 4 हो जाएगा 13i। देखिए, i² का वैल्यू होता है -1, पीछे प्लस है तो ये हो जाएगा -6 + 6, ये हो जाएगा -13i। और ये जो i² का वैल्यू हो जाएगा -1, ये प्लस है, पीछे -6 हो जाएगा। इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 9i² हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे -13i से +13i कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बचेगा हम लोगों को 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो जाएगा, और -6 - 6 ये भी हो जाएगा -12 हो जाएगा अपॉन 4। i² का वैल्यू होता है -1, पीछे माइनस है तो हो जाएगा -, प्लस ये हो जाएगा 0/13। तो फाइनली कितना हो गया यहाँ पे 0। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + 0i हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या, इमेजिनरी पार्ट 0 है। देखिए यहाँ पे सिंस इमेजिनरी पार्ट इज 0, सो इट इज प्योरली रियल। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग क्वेश्चन ये दिया गया, इसमें भी हम लोगों को प्योरली रियल ही शो करने के लिए कह रहा है। इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को ये √7 प्लस √3 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3i, और ये हो जाएगा √7, यहाँ सॉरी माइनस है, और ये √7 + √3i। तो देखिए, इसी को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे आएगा, इसी को मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √2 प्लस लिख सकते हैं √7 - √3i² लिख सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, a + b² तो ये हो जाएगा √7² तो हो जाएगा 7 + 2 × a √7 × b √3 × i + √3² करेंगे तो ये हो जाएगा 3i² हो जाएगा, प्लस √7² हो जाएगा 7 - 2 × a × b + 3i² हो जाएगा अपॉन हम लोग को हो जाएगा √7² हो जाएगा 7 - ये हो जाएगा हम लोग √3² हो जाएगा 3i², क्योंकि a - b × a + b² - b² होता है। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7। देखिए i² का वैल्यू होता है -1, पीछे प्लस है तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, और i² का वैल्यू होता है -1, फिर पीछे पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा ऑलरेडी
माइनस, और ये हो जाएगा हम लोग को 7, और आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस 1, पीछे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 7 7 14 माइनस 6 अपॉन 10, ये हो जाएगा 8 अपॉन 10 और अपॉन 5। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट जब कुछ नहीं बचे इसका मतलब है कि यह जो है सो मतलब प्योरली रियल है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ए प्योरली हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है सो प्योरली रियल दिया गया है, उस केस में इसका जो है सो मतलब थीटा का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 i cos थीटा बाई 1 प्लस 2 i cos थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 i cos थीटा प्लस i cos थीटा को इसे मल्टीप्लाई करें दिया जाएगा i cos थीटा प्लस 2i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2i cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 प्लस 2i में i जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3i cos थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कर दिए और रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये अलग कर दिए प्लस 3 आई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस i 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दिया गया हम लोगों को कि प्योरली रियल है, क्या दिया गया है प्योरली रियल, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो है, तो इमेजिनरी पार्ट तो हम लोग को यही है, इसका मतलब हो गया कि 3 cos थीटा प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो फाइनली हो गया cos थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जनरल सोल्यूशन से यदि हम उसका वैल्यू निकालते हैं जीरो से, cos थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।